देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज यहाँ से सामने आए हैं। देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,01,497 एक्टिव केसेस और लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या है वो 2 लाख के पार पहुंच चुकी है और 5,815 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, लगातार देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से शुरू की जा रही हैं और साथ ही अब तो चार धाम की जो यात्रा है उसको भी परमिशन मिल गई है, तो अभी किस प्रकार के इंतजाम, किस तरीके से धीरे धीरे जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, धीरे धीरे फिर से सारी शुरुआत की जा रही है और ये कहा जाए कि अब अनलॉक को पूरी तरीके से अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। सरकारों की ओर से सभी चीजों की परमिशन दी जा रही है। जिस तरीके से ऑटो में परमिशन दे दी गई है कि एक से ज्यादा लोग, टैक्सी में एक से ज्यादा लोग सफर कर सकेंगे, ई रिक्शा में एक से ज्यादा लोग, दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी परमिशन दी गई है। लेकिन बावजूद इसके रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। अब पिछले 24 घंटों में दिल्ली की बात करें तो 1200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर में 8,171 मामले ऐसे आए हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें जो कि आईसीएमआर की तरफ से जारी किए गए हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि पिछले अभी तक जो कि जो टेस्ट किए गए हैं लोगों के, 40,03,000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया है और पिछले 24 घंटों में भी करीबन 1,35,000 लोगों को टेस्ट किया गया है। तो टेस्ट की संख्या जो बढ़ाई जा रही है, यही वजह है कि ये जो आंकड़े हैं ये ज्यादा आ रहे हैं। छूट जरूर दी जा रही है, सावधानी के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल प्रीत, तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 2 लाख के पार संक्रमितों की जो संख्या है वो पहुंच गई है, ऐसे में तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वापस से अर्थव्यवस्था को और जिंदगी को पटरी पर लाने की वो लगातार जारी हैं।